अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज टॉपिक आ जाता है रेडियोएक्टिविटी का। रेडियोएक्टिविटी क्या होती है हमारे पास? बेटा हमारे पास कुछ न्यूक्लियर अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल से क्या मुराद है? उनमें से अनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं। अनविजिबल से क्या मुराद है कि वो दिखाई नहीं देती। वो रेडिएशन उनसे निकल रही होती है, उन्हें हम बोलते हैं, उन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। जो रेडिएशन अनस्टेबल न्यूक्लियाई से निकलती है, तो अब वो कौन से न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं? यूजुअली वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 से क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो वो न्यूक्लियाई से क्या होती है, रेडिएशन जो होती है वो मिट आउट हो रही होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो बेटा जी रेडिएशन होती है, ये टोटली न्यूक्लियस प्रोसेस है। ये हमारे पास केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ना ही ये जो रेडिएशंस हैं ये किसी भी मटेरियल की जो न्यूक्लियर है जिसका वो जिस मटेरियल के वो न्यूक्लियर हैं उनकी फिजिकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही होती। फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करने से क्या मुराद है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसकी शेप, इन सारी चीजों के ऊपर भी रेडिएशन डिपेंड नहीं कर रही होती। आप ये कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर जिनका एटॉमिक नंबर 82 है उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, रेडिएशन मिट आउट कर रहे होते हैं। अब ये रेडिएशन सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी? ये रेडिएशन सबसे पहले बैकरेल ने डिस्कवर की थी। बैकरेल ने हमारे पास क्या किया था, वो यूरेनियम 235 के ऊपर क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। तो बैकरेल ने क्या किया, यूरेनियम को हमारे पास उसने दराज में रखा, तो उस दराज में हमारे पास एक फोटोग्राफिक फिल्म भी भरी हुई थी। फोटोग्राफिक फिल्म हमारे पास क्या होती है, वो वाली फिल्म जो लाइट से इफेक्ट आउट होती है, लाइट में रेडिएशन से, तो वो ब्लैक पेपर में कवर थी फिल्म, वो पड़ी हुई थी। तो वो जब आया उसने ड्रॉ में से फोटोग्राफिक फिल्म निकाली, यूरेनियम भी निकाला, तो उसने देखा जो फोटोग्राफिक फिल्म थी वो अफेक्टेड थी। अफेक्टेड से क्या हम राधा, उसके ऊपर रेडिएशन पड़ी थी तो वो अफेक्टिव होनी थी, यानी उसके ऊपर पता चलना था इसके ऊपर रेडिएशन आई है। तो उसने कहा दराज में कहां से रेडिएशन आ गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और तो फिर उसने जो है ऑब्जर्व किया कि वो यूरेनियम उसने रखा था, शायद यूरेनियम से कुछ रेडिएशन निकल रही है। तो जब बाद में तहकीक की गई तो इस बात के ऊपर तस्दीक हो गई कि यूरेनियम से हमारे पास क्या होता है, कुछ रेडिएशंस अनविजिबल क्या हो रही होती है, निकलती हैं, जो क्या करती हैं, फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट आउट करती हैं। तो सबसे पहले बैकरेल ने हमारे पास इस बात को डिस्कवर किया था। उसके थोड़ी देर बाद ही मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी, दोनों मियां बीवी थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, मैरी क्यूरी एंड पैरी क्यूरी, इन दोनों ने हमारे पास क्या किया, इन दोनों ने भी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर कर लिए, रेडियम और प्लूनियम हमारे पास। ये दोनों न्यूक्लियाई भी किन्होंने डिस्कवर किया, मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी, इनसे भी क्या होती थी, रेडिएशन जो होती हैं वो इमिट आउट होती थी। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, भाई वो वाला रेडियो एक्टिविटी तो हमारे पास प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है जिसके तहत हमारे पास क्या होती है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। और अनस्टेबल न्यूक्लियाई कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो। अब हमारे पास जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है उनसे रेडिएशन निकलेगी, और उन एलिमेंट को या उन न्यूक्लियाई को जिनमें से रेडिएशन निकले उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी और जो रेडिएशन निकलते उन्हें रेडिएशन ही कहा जाता है। अब हमने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रेडिएशन की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करने के लिए। तो अब हमारे पास हमने क्या किया, एक लेड का एक ब्लॉक लिया, उसमें हमने ड्रिल की मदद से सुराख किया, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया जिससे रेडिएशन निकलेंगी। और इसके ऊपर हमने क्या किया है, और ये सारे का सारा आगे हमने वैक्यूम चैम्बर में रखा हुआ है, सब सारे का सारा इंस्ट्रूमेंट, हमने दो प्लेट्स लगाई हुई हैं जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की हुई है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या फोटोग्राफिक फिल्म है। अब यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी, आप लोगों को पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ से जब रेडिएशन निकली तो हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमारे तीन जगह के ऊपर स्पॉट मिले, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमें क्या मिले, तीन जगह के ऊपर क्या मिले, स्पॉट मिले। यानी हमने क्या देखा, कुछ रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई है, कुछ रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट के ऊपर बेंड हो गई है, और कुछ रेडिएशन जो है वो बेंड नहीं हुई बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेटली मूव कर गई है। तो अब हमारे पास हम ये कह सकते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बुनियाद के ऊपर कि जो रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई है, ठीक है, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई है, हम कह सकते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज था, इसी वजह से वो नेगेटिव प्लेट की तरफ की अट्रैक्शन की वजह से, और वो वाली जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई है तो वो रेडिएशन जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई है हम ये कह सकते हैं उनके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हुई, बेंड हुई। तो हम ये कह सकते हैं इनके ऊपर हमारे पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था।
अब हमारे पास वो वाली रेडिएशन जो बेंड नहीं हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो स्ट्रेट ही पास कर गई है, उन रेडिएशन को हम ये कह सकते हैं वो न्यूट्रल थी, ठीक है। तो वो रेडिएशन जो स्ट्रेट मूव कर गई है वो हमारा स्ट्रेट नो बेंड, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या थी, न्यूट्रल थी। तो बेटा नहीं, हमारे पास इसी थ्योरी की बुनियाद के ऊपर हमने क्या किया, रेडिएशन के नाम रखे। बेटा नहीं, वो वाली रेडिएशन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इन्हें हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा जी, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। और वो वाली रेडिएशन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई, उन्हें हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स। और जो न्यूट्रल थी, स्ट्रेट पास आउट कर गई, उन्हें हम बोलते हैं गामा रेडिएशन। उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो तीन तरह की रेडिएशन जो होती है वो क्या होती हैं, निकलती हैं किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से। वो रेडिएशन कौन सी होती है, एक होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, एक होते हैं बेटा जी हमारे पास बीटा पार्टिकल्स, और जो से न्यूट्रल है उन्हें बोलते हैं गामा रेडिएशन। ठीक हो गया बेटा जी। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, और गामा पार्टिकल्स गामा रेडिएशन क्या है, इनके बारे में हमने देखना है। अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल बेटा जी हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियस हैं। हीलियम के न्यूक्लियस से क्या मुराद है, ये HE42 है, यानी हीलियम के एलिमेंट में से, हीलियम के एटम में से क्या करने हैं, अपने दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देने हैं, तो वो जो चीज हमारे पास बनेगी वो हीलियम का न्यूक्लियस बनेगा। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2, और इनका एटॉमिक नंबर मास नंबर हमारे पास होता है 4, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं। चले बेटा जी, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल्स बेसिकली क्या है, बीटा पार्टिकल बेटे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस से निकलते हैं। आपने ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में इस बात को प्रूव भी कर दिया है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है न्यूक्लियस में से, बीटा पार्टिकल क्या है फास्ट, पहले तो समझ लें बीटा पार्टिकल क्या है। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से निकलते हैं, पहली बात तो ये अंडरस्टूड होगी। दूसरे नंबर के ऊपर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन किस हवाले से आ गई, कंट्राडिक्शन ये हो गई कि हमने पिछले चैप्टर में प्रूव कर दिया था, मैथमेटिकली प्रूव किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है। तो आपने ऐसा नहीं समझना कि इलेक्ट्रॉन होता है, हम क्या करते हैं जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो किसी दूसरे पार्टिकल से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप लोग केमिकल रिएक्शंस नहीं करते, कुछ कोई दो एलिमेंट मिलाकर कोई तीसरा एलिमेंट बना दे, तो इसी तरह कोई चीज टूटती है उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अभी आप लोग छोटे हैं, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ चीज क्या है, वो रिएक्शंस क्या है, वो फर्दर हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। फर्दर आपने बस इतना समझ लेना है कि किसी चीज के डिकम्पोजिशन की वजह से हमारे पास बीटा पार्टिकल यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, हमने इधर बता दिया कि हमारे पास ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जेड हमारे पास -1 होगा, N0 होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी, मास नंबर भी इसका 0 होगा, कोई भी प्रोटॉन इसमें नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये आ जाता है, यानी इसका A भी 0 है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये आ जाता है गामा रेडिएशन। गामा रेज हमारे पास क्या है, गामा रेज बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। गामा रेज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद किया होगा, तो वो हमारे पास एक्सरे के बाद गामा रेज आती है, तो ये गामा रेज है हमारे पास। आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि एक्सरे जो सी हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जब एक इनर शेल ट्रांजिशन प्रोड्यूस होती है हमारे पास हैवी एटम में। तो इसी तरह जब हैवी न्यूक्लियस में हमारे पास सिमिलरली कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को अभी फर्दर इतनी डिटेल नहीं पता, जैसा कि आप लोग ये कहते हो कि हैवी एटम्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होने के बाद डीएक्साइट होते हैं तो एक्सरे निकलती है। सिमिलरली हैवी न्यूक्लियस में, जैसा कि हम बता रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा, तो उनमें जब हमारे पास न्यूक्लियॉन्स डीएक्साइट होते हैं, या इस तरह समझ लें जब न्यूक्लियस डीएक्साइट होता है, अकेला न्यूक्लियस एक्साइट होने के बाद जब डीएक्साइट होता है, तब हमारे पास क्या होती है, गामा रेज निकलती हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, इसी वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और ये फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी थ्योरी थी रेडियोएक्टिविटी के ऊपर, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने क्या देखा कि ये डिस्कवर किसने की, और हमारे पास बेकरेल का नाम आया, उसके बाद मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी ने भी रेडियम और पोलोनियम जो है वो डिस्कवर किए, उसके बाद हमारे पास इनकी नेचर क्या थी, कितनी तरह की रेडिएशन निकलती हैं और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, और आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम नेक्स्ट फर्दर देखेंगे कि हमारे पास इनके रिएक्शंस और फर्दर चीज़ें क्या हैं। तब तक के लिए घरों में रहें, सेफ रहें।